एक बार में ऐसा नहीं है कि हम पूरी पूरी अल्पावर्त याद करा दें, हम पांच अक्षर लिखेंगे उन्हें याद, अल्पावर्त याद करा दें हम पांच अक्षर लिखेंगे उन्हें याद कराएंगे। अगली बार हम इससे आगे जाएंगे, ई के बाद आता है एफ, एफ में सीधा डंडा खींचेंगे ऊपर के दो बॉक्स में, ऊपर का डंडा बड़ा नीचे का छोटा, एफ जो है फेंक के वहाँ निकाल दिया, एफ फॉर फैन, एफ फॉर फिश। उसके बाद हम लिखेंगे जी, जी जो है सी बना देंगे और सी के थोड़ा सा ऊपर का डंडा खींच के नीचे ले आएंगे, सी बनाएंगे पहले ऊपर के दो बॉक्स में बिल्कुल मिलाकर लिखना है, सी बना देंगे थोड़ा डंडा खींचेंगे जी बन गया, जी फॉर गोट, जी जो है गै की आवाज़ निकालता है। फिर हम आगे लिखेंगे एच, हम दो बराबर के डंडे खींचेंगे और बीच में से इन्हें मिला देंगे, एच जो है की आवाज़ निकालता है, एच फॉर हैंड। आई के लिए बहुत ही सिंपल है, एक डंडा खींचेंगे नीचे मिला देंगे ऊपर से, दोनों के छोटे छोटे लाइन खींच देंगे, आई फॉर आइसक्रीम, आई जो है आ की आवाज़ निकालता है और ई की आवाज़ निकालता है, ये भी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। जे फॉर जग, जे जो है ऊपर के बॉक्स में पूरा जैसे हमने आई बनाया था ऐसे डंडा लेके आएंगे और नीचे से थोड़ा सा घुमा देंगे, जय बोल बन जाएगा, और जे फॉर जग, जे जो है जय की आवाज़ निकालता है। फिर हम आगे लिखेंगे के, डंडा खींचेंगे और एक इधर से बीच वाली लाइन मिलाएंगे और एक इधर से के फॉर कॉइट, के जो है क्या क्या निकालता है। फिर हम लिखेंगे एल, आई बना देंगे नीचे के डंडे को थोड़ा आगे खिसका के थोड़ा सा कर देंगे, एल फॉर लाइन, एल जो है एल की आवाज़ लय की आवाज़ निकालता है, एल फॉर लाइन। फिर हम लिखेंगे एम, जैसे हमने एच बनाया था दो बराबर डंडे खींच देंगे बीच वाली लाइन पे ऊपर से मिला देंगे, एम फॉर मंकी, एम जो है मैं की आवाज़ निकालता है। फिर हम ऐसे ही दो डंडे खींचेंगे जैसे हमने एच और एम के बनाए हैं, लेकिन यहाँ ऊपर से लेके नीचे वाली लास्ट लाइन पे मिला देंगे इसे, एन फॉर नेट, एन जो है न की आवाज़ निकालता है। उसके बाद आएगा ओ, ओ एक पूरा गोला बनाएंगे बिल्कुल मिलाकर ऊपर की और तीसरी लाइन के साथ, ओ फॉर ओरेंज, ओ की आवाज़ निकालता है। फिर इसके बाद आते हैं हम पी पे, डंडा खींचेंगे जैसे हमने बी बनाया था ऐसे ही ऊपर एक छोटा गोला बना देंगे, पी पी फॉर पैर, पी जो है पैर की आवाज़ निकालता है। उसके बाद आता है क्यू, क्यू फॉर क्वीन, ओ बनाएंगे और नीचे से एक डंडा खींच देंगे क्यू बन जाएगा, क्यू। आर पहले पी बनाएंगे और बीच वाली लाइन से ऐसे डंडा खींच देंगे आर बन जाएगा, आर फॉर रैबिट, आर जो है रैबिट की आवाज़ निकालता है। फिर आएंगे एस, एक छोटा सी बना देंगे यहाँ पे, एक उल्टा सी बनाएंगे, ये एस बन जाएगा, एस फॉर सन, एस जो है सह की आवाज़ निकालता है। टी हम पहले आई बना देंगे फिर ऊपर एक बड़ा सा डंडा खींच देंगे जैसे हमने आई बनाया था, आई में हमने छोटा डंडा बनाया था, टी में बड़ा बना देंगे, टी फॉर टोमेटो, टी जो है टैक की आवाज़ निकालता है। यू, यू नीचे से गोल करेंगे दो डंडे खींच देंगे थोड़ी सी जगह छोड़ के नीचे से गोल कर देंगे, यू फॉर अम्ब्रेला, यू जो है ए की और यह की आवाज़ निकालता है। इसकी भी हम आवाज़ की बाद में बात करेंगे कि ये कहाँ पे आ की आवाज़ निकालता है और कहाँ पे यह की आवाज़ निकालता है। वी, वी के ऊपर से थोड़ा तीसरा लेके नीचे मिला देंगे, वी फॉर वैन, वी जो है वैन की आवाज़ निकालता है। फिर आएंगे डब्ल्यू, इसे हम डबल यू भी बोलते हैं, डबल यू, एम में ऊपर से डंडे लाए थे डब्ल्यू में नीचे से, ये एम का उल्टा हो जाएगा, ये बोलते हैं डब्ल्यू, डब्ल्यू जो है वाह की आवाज़ निकालता है, वॉच, डब्ल्यू फॉर वॉच। एक्स, एक्स को बीच वाली लाइन पे ऊपर से नीचे कट कर देंगे, ये एक्स बन जाएगा, एक्स फॉर एक्समस ट्री। वाई, ऊपर भी बना देंगे छोटा और नीचे डंडा खींच देंगे, वाई फॉर याच, वाई जो है यह की आवाज़ निकालता है। जेड, एक ऊपर डंडा खींचेंगे एक नीचे खींचेंगे,
और यहाँ से जैसे मिला देंगे जेड, जेड फोर जेबरा, जेड जे की आवाज़ निकालता है। बच्चों आप इसकी प्रैक्टिस घर में करना आराम से, आप अगर इसे थोड़ा सा ध्यान लगा के थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे